Okay, now we are moving to part number 3. But the stranger said no and no, again no. The iron master saw he must give in. Iron master ne given matlab surrender kar diya, umeed chhod di. It looks like that Captain Vaughn still preferred to stay with you. Sent John Storm is the name of the master smith. तो कैप्टन वॉन स्टिल, उन्होंने किसको कैप्टन वॉन स्टिल कहा, पेडलर को. गलती हो गई उनसे, रात में वो पहचान नहीं पाए. ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, दैट्स व्हाई ही सेड दैट. और सेंट जॉन स्टॉर्म किसका नाम है, आयरन स्मिथ, मैनेजर का नाम है. ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न टू दिस हिल. मास्टर ब्लैक स्मिथ या मैनेजर को उसने कहा, इसका ध्यान रखना. बट ही लाफ्टर सेड दैट ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. ब्लैक स्मिथ जानता है कि उन्होंने लास्ट वर्ड कहा नहीं, इसका मतलब कोई दोबारा आएगा यहाँ पे. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट ही शुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन दैन हिमसेल्फ. पर्सुएशन मतलब कन्विंस करना, CONVINCE, मनाना. अब आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा है, शायद वो उसे कन्विंस कर पाए. She entered followed by a valet. Valet मतलब नौकर. वो आई, उसके साथ एक नौकर भी है, अटेंडेंट भी है, valet. Carrying on his arm a big fur coat, she was not at all pretty. उसे हम pretty नहीं कह सकते, but she seemed modest and quite shy. वो विनम्र लगती है और शर्मीली भी है. In the forge, everything was just as it had been appeared earlier. The master blacksmith and his apprentice still sat on their benches, and iron and charcoal still glowed on the furnaces. अभी भी ये सब कुछ है, आयरन और चारकोल अभी भी ग्लो कर रहे हैं, दोनों मास्टर ब्लैक स्मिथ बैठे हुए हैं. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड ओवर डाउन द आइस. वो आँखों में टोपी रख के सोया हुआ है और एक पत्थर के ऊपर वो सोया हुआ है. एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. वो एक आँख खोल के सोता है. He jumped up abruptly. वो अचानक, abruptly मतलब suddenly जाग उठा, and seemed to be quite frightened. वो डरा हुआ लग रहा था. My name is Edla Wilmanson. तो उसकी बेटी का नाम है, आयरन मास्टर की बेटी का नाम है Edla Wilmanson. The daughter name is. Said the young girl, my father came home and said you wanted to sleep here. Forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm sorry, Captain, that you are having such a hard time. Sorry, Captain, आपका समय अच्छा नहीं जा रहा है, चलिए हमारे घर. She looked at him compassionately, kindly. उसने उसको देखा with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he was stolen something or else has escaped from the jail. या तो उसने कुछ चुराया होगा या तो जेल से भागा हुआ होगा. वो इतना डरा हुआ है, Edla ने यह नोटिस किया. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Captain, घबराइए मत, जैसे आप हमारे घर में जाएंगे वैसे ही वापस सही सलामत आ भी जाएंगे. Just stay with us over this Christmas Eve, she said in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. It would be never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. कोई बात नहीं मिस, चलिए आप इतना कह रहे हैं तो हम आपके साथ चलते हैं. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. जो वैलेट अटेंडेंट आया हुआ था उसने बाव करके झुक के ऑनर देके उसको वेलवेट का कोट हैंड ओवर किया. पेडलर को थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसके गंदे कपड़े में, रैग्स फटे हुए कपड़े में उसने डाल लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. ब्लैक स्मिथ जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होके पेडलर को देखने लगा कि क्या बात है, मैडम ने इसको बहुत स्वागत करके ले गई. But while he was riding to the manor house, he had evil forebodings. Forebodings मतलब warning. उसके जो दुष्ट मन है उसने उसे warning दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I'm sitting in the trap. We'll never get out of it. पेडलर सोचने लगा, हाँ मैंने क्यों पैसे चुराए उनके, अब मैं जाल में फंस चुका हूँ, कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम एट द ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड फ्रॉम होम रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली. फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट सी टू इट द गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर. आयरन मास्टर ने डॉटर को कहा, इसे खाना पीना अच्छे खिलाओ, थोड़ा सा चेहरे पे मांस आ जाए उसके. वॉज बिजी एट द टेबल एंड देन
we must see that he gets something else to do than run around the country selling rat traps. It is a queer thing, queer matlab strange thing, but he has chori janak cheez hai. Things have gone downhill with him as badly as that. Iron Master ne kaha uske saath bahut bura hua hai. That said the daughter last night, it did not think that there was anything about him to show that he had once been a educated man. But ladki kehne lagi ke papa use dekh ke lagta nahi ki wo kabhi bhi educated aadmi raha hoga. You must have patience my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. तो अच्छा तुम देखना, जब ये खाना पीना करके ड्रेस पहन लेगा तब इसका ट्रैम्प जो मैनर है, मुसाफिर वाली जो नेचर है, वो भी दूर हो जाएगा. जस्ट एज he said this is door open and stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master. ab us saaf safai karke iron master ka kapra pehen ke aa gaya. He wore a little white shirt and a stretch collar hole shoes. But although the guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. उसे देख के आयरन मास्टर खुश नहीं हुए सुबह को. क्यों? ही लुक्ड एट हिम विद अ पकर्ड ब्रो. उसने आईब्रो को रिंकल करते हुए, पकर्ड मतलब रिंकल करना, आईब्रो को रिंकल करके उसने कहा. एंड दैट वाज इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो ऑफ द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस. ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. रात को शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी. बट दैट नाउ ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डे लाइट. पर दिन की रोशनी में इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम एंड ओल्ड एक्विंटेंस. अब उसे पता चला कि ये उसकी पुराना पहचान के आदमी नहीं है. एक्विंटेंस मतलब फैमिलियर नहीं है. What does he mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. Stranger ने, पेडलर ने उसे धोखा देने की, dissimulate मतलब भ्रमित करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस की है. Dissimulate मतलब धोखा देना, deceive. He saw at once that the splendor had come to an end. वो समझ गया उसका जो splendor है, वैभव है, luxury है, एक दिन का वो ख़त्म हो चुका है. It's not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader. Sir, मैंने तो कभी ऐसा दावा नहीं किया. Pretend मतलब दावा करना, show off करना. मैं तो हमेशा कहते रहे कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ, मैं एक गरीब बिजनेसमैन हूँ. एंड आई प्लीडेड एंड बेग. मैंने तो आपसे बहुत बार प्लीड किया था, रिक्वेस्ट किया था, बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज. मुझे फॉर्ज में ही रहने दीजिए. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. मैंने तो आपका कोई लॉस नहीं किया. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. मैं तो अपना रैग्स उठाऊंगा और यहाँ से चला जाऊँगा सर. वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट. पर ये सही नहीं होगा इधर. यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ शेरी वुड कम टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. पर तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे. मैं तो तुम्हें शरीफ के हाथों में, नगरपाल के हाथों में, पुलिस के हाथों में हैंड ओवर करना चाहता हूँ. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस्ट. ट्रैम्प ने अपनी मुट्ठी मारा टेबल में. Now, I am going to tell you, Iron Master, how things are, he said. The whole world is nothing but a big rat trap. All the good things are offered to you are nothing but cheese, rings and pork. Set out to be a drag poor fellow. Sir, मैं आपको बता रहा हूँ ये दुनिया एक rat trap है, और अगर आप मुझे ऐसे ही किसी के हाथ में देंगे poor fellow को, तो क्या होगा? Into the trouble. अगर आप उसी में मुझे मुसीबत में फेंकेंगे. And if that sheriff comes and now locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. अगर आज आप मुझे मुसीबत में डालेंगे मिस्टर आयरन मास्टर, तो एक दिन आप भी मुसीबत में आ जाएंगे. ये फिलॉसफी उन्होंने झाड़ा इन दिस पार्ट अप टू दिस मोमेंट.